नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। कानपुर कांड की न्यायिक जांच के लिए गठित जांच आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल ने सोमवार की दोपहर बिक्रू गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद ग्रामीणों से बातचीत कर हकीकत जानी। जस्टिस शशिकांत ने बिक्रू गांव में विकास दुबे के घर के मलबे को भी देखा। इसके बाद उन जगहों पर गए जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। अधिकारियों ने वो घर भी दिखाए जहां से 2 जुलाई की रात फायरिंग हुई थी। इसके बाद गांव वालों से बातचीत की और घटना वाली रात और विकास दुबे के अपराध की जानकारी ली। जस्टिस के हाथ में एक ब्लैक कलर की डायरी थी जिसमें शूट आउट से जुड़ी कुछ जानकारियां वे पढ़ रहे थे। इनका जवाब डीएम और एसपी की तरफ दिया जा रहा था। इन सब के बीच राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जांच आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया। इसका मुख्यालय कानपुर में हो गया। सभी तथ्यों की जानकारी करने के साथ ही आयोग भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देगा। 2 महीने की अवधि में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।